लेकिन वहां से लेकर वो टेपी के नीचे पहला बेड़ा छुपा है, इसके कारण वो टेपी की कीमत कम हो गई, टेपी का महत्व कम हो गया, क्योंकि टेपी के नीचे जो पहला बेड़ा छुपा गया। मुझे विश्वास है कि अरविंद ने ये टोपी पहना, उसके नीचे पहला बेड़ा कुछ छुपाएंगे नहीं। अन्ना अन्ना एक चीज करना चाहूंगा अगर आपसे, क्या आज जब अरविंद केजरीवाल को 25 सीटें मिलती हुई दिख रही है बीजेपी दिल्ली की असेंबली में, आप आज अरविंद को अपना चेला मानेंगे, अपना शिष्य मानेंगे और उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे या नहीं देंगे? नहीं, वो तो पहले से भी आज तक, अभी भी मैंने उनको बताया था कि मेरा नाम यूज में मत करो, लेकिन अरविंद का फोन मुझे आता है, मैं भी उसके साथ बात करता हूँ, ये तो अभी भी चल रहा है। सिर्फ इतना है कि पक्ष और पार्टी को संविधान के मुताबिक मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, यही बात इतने प्रति सीमित है। बाकी तो अरविंद अगर हम तो फोन पर आप फोन आता, मैं बात करता, वो मेरे साथ बात करते हैं। तो अरविंद अब विपक्ष के नेता होंगे दिल्ली में, दिल्ली की असेंबली में अरविंद विपक्ष के नेता होंगे, तो अन्ना हजारे आएंगे उनको बधाई देने के लिए? नहीं, वो पार्टी के नाते मैं नहीं जा सकता। अच्छा। क्योंकि संविधान कह रहा है, संविधान पक्ष और पार्टी का नाम कहीं पर भी नहीं ले रहा है, संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कर रहा है, जनता ने अपने चारित्रशील कैंडिडेट जनता ने खड़े करने, पक्ष और पार्टी नहीं, जनता ने चुनकर संसद में भेजना, ये संविधान कह रहा है, इसके कारण मैं पक्ष और पार्टी को नहीं मानता। एक सवाल और, आज के नतीजों से एक बात बहुत साफ हो रही है कि कांग्रेस पार्टी का जो एरोगेंस था, उसका जो घमंड था, वो चूर चूर हो रहा है। आपने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किए, लड़ाई लड़ी, आपकी क्या राय है आज के नतीजों के बारे में? एक सेकंड, मैं आपसे सवाल थोड़ा रिट्रेस करना चाहूंगी। उनकी जो लड़ाई थी वो एंटी करप्शन थी, नॉट एंटी कांग्रेस। गुड प्लेयर सर, आप तो वक्ता हो गई है। जी अंदर बोलिए। अन्ना उसमें क्या है? जी मेरे सामने कोई पक्ष और पार्टी नहीं, लेकिन कांग्रेस की नीति साफ नहीं है। अभी देखिए, पंकज प्रधान कल बोल रहे हैं गंगा बिल इसी अधिवेशन में लाना है, यही समय है, और कितने दिन पास किए हैं, लेकिन जनलोकपाल नहीं ला रहे हैं, तो नियत साफ नहीं है। ये लोगों के ध्यान में आ गया है कि ये धोखाधड़ी करती है कांग्रेस, सिर्फ सत्ता पैसा इसके लिए कर रही है, समाज और देश इनके सामने रहा नहीं। आज देखिए ना, कितने मंत्री भ्रष्ट हो गए, हर अधिवेशन में एक एक मंत्री का भ्रष्टाचार, इसके कारण लोगों के दिल में गुस्सा है, और वो गुस्सा वो अभी निकाल रहे हैं। जनता गुस्सा मतपेटी से निकलती है, आमने सामने गुस्सा करने के लिए उनको मौका नहीं मिलता, पेटी से गुस्सा निकालती है, इसके कारण आज साफ दिखाई दे रहा है कि जनता गुस्सा निकाल रही है। जी अन्ना, आपको ऐसा लगता है कि ये जो नतीजे आए हैं चार राज्यों के, इनका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है अगले साल, और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच की जो लड़ाई है, जो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है, उसकी वजह से बीजेपी जीती, और राहुल गांधी उनका भी काफी ब्रांड इक्विटी को इस बार थोड़ा नुकसान हुआ है, आप कैसे देखते हैं इनको? वैसे हवा का मतलब नहीं है, एक कांग्रेस से क्या हुआ, रास्ते गलत हो गए। अगर ये साफ रास्ते से चलते, 50 साल हो गए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, इन्होंने इनकी नीयत साफ नहीं है, अगर इनमें दिल में लाता तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जनलोकपाल, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, ग्राम सभा को पावर, ये अगर ये देते 50 साल में, तो नरेंद्र मोदी हो कोई भी हो, जनता नहीं माननी थी, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं रही। पूरा केंद्रीय प्रकाशकता विकेंद्रीकरण की बात ही नहीं की, लोकतंत्र की बात नहीं की, लोगों का, लोगों ने लोकसभा से चला हुआ तंत्र ये इनके दिमाग में नहीं है, ये सिर्फ अपने हाथ में सत्ता रखने के नतीजे अन्ना दिल्ली में आए, कारण जनता चिढ़ गई। जी दिल्ली के जो नतीजे अगर हम खासतौर पर बात करें, आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता ने
बीजेपी की सरकार के लिए वोट दिया है या फिर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया है? हाँ, लोगों की अपेक्षा थी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसीलिए मैं तो अरविंद के पास क्या है, वो तो पहले से फतेह राज में है और 25 सीटें विशेषता शीला दीक्षित इतने साल से मुख्यमंत्री है, उनको हराना आसान नहीं है, उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन लोगों ने वो राय ली कि ऐसे आदमी को आगे जाकर मुख्यमंत्री बनने से कुछ दिल्ली में होगा। अन्ना, एक चीज और बताइए, अरविंद केजरीवाल का जो फॉर्मूला था दिल्ली में तो आप पार्टी ने बहुत अच्छा किया, क्या आपको लगता है कि अब आम आदमी पार्टी को देश के दूसरे राज्यों में भी अपना पैर पसारना चाहिए और वहां भी चुनाव लड़ना चाहिए इस सफलता को देखते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे अच्छे लोग संसद में जाने चाहिए और मैं भी जनता को यही कहूंगा, मैं भले ही इनके पक्ष और पार्टी का नाम नहीं लूंगा लेकिन जनता को ये कहूंगा कि चारित्रशील लोगों को वोटिंग करो, भक्त है, गुंडा है, व्यभिचारी है, लुटार है, ऐसे लोगों को वोटिंग मत करो, लोकशाही के पवित्र मंदिर में पवित्र लोगों को भेजो, सब देश के लिए भविष्य बनेगा, ये तो मैं कहूंगा देश में जनता के लिए। अन्ना, हमारे साथ एक और बड़े वरिष्ठ पत्रकार है जयंत घोषाल, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जयंत अन्ना, मेरा सवाल है, केजरीवाल इतना सीट मिले लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, क्या आपको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी अभी दिल्ली में 100 रैली किया है, 100 से 100 रैली किए हैं और ज्यादा एक्टिव थे, अगर नरेंद्र मोदी इनएक्टिव रहते दिल्ली में तो केजरीवाल को ज्यादा फायदा होता? नहीं, प्रश्न मुझे समझ में नहीं। मतलब मोदी जी के 100 रैलीज और दिल्ली में इतना कैंपेन के कारण केजरीवाल का जो मतलब सफलता मिली है वो जो मतलब अपूर्ण रह गए, मतलब उसके जो कामयाबी जो है वो मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, इतना सीट नहीं मिले और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट हो गए, आज अगर नरेंद्र मोदी दिल्ली में 100 रैलीज करके इतना प्रोएक्टिव रोल नहीं लेते तो शायद केजरीवाल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाते। हाँ नहीं, मोदी का अरे मोदी दिल्ली में आए थे ना, लेकिन मोदी का क्या है, जनता के दिल में बैठा है ना कि ये आदमी हमारा भला कर सकता है, इसके अलावा दूसरे लोग भला नहीं कर सकते हैं, ये जब जनता के दिमाग में बैठता है उस टाइम पर कोई भी आ जाओ जनता उनके दिमाग में जो बैठा है उसको वोटिंग करेंगे, वो दूसरे को नहीं करेंगे। तो अन्ना, 2014 के चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में, संसद के चुनावों में अन्ना हजारे चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, आपकी पसंद? ये क्या है, मैं पहले बताया मैं पक्ष और पार्टी को नहीं मानता हूँ, ये संविधान नहीं मानता। आज क्या है, नरेंद्र मोदी क्या और कांग्रेस क्या, टर्न बाय टर्न 5 साल आप सत्ता में रहे हम 5 साल विरोधक में बैठेंगे, उसके बाद 5 साल के बाद आप सत्ता में जाए हम विरोधक में बैठेंगे, ये टर्न बाय टर्न चल रहा है, आखिर दोनों पार्टियां सत्ता में बैठी रहेगी, जनता के लोग जो सोच करनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जी अन्ना, अन्ना आप रहिए मेरे साथ, हमारे साथ स्टूडियो में एक और वरिष्ठ पत्रकार एच के दुआ साहब जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है दुआ साहब, आपसे बात करूं उसके पहले हम ये ग्राफिक्स को दिखाना चाहते हैं, वर्चुअल ग्राफिक्स में कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार किया, रैलियां की चारों राज्यों में और उसका कितना असर हुआ, चलते मेरे सहयोगी आकाश सोनी के पास। सुमित, इस वक्त जो तस्वीर है वो आपको दिखाते हैं कि जो प्रमुख नेता थे किसने कितनी रैलियां की दिल्ली के अंदर, तो अगर अब यहाँ से आपको मैं दिखाऊं, ये हम छोटी छोटी रैलियों की बात नहीं कर रहे, प्रमुख रैलियां उनकी बात कर रहे हैं, तो उससे अगर हम देखना शुरू करें तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मिलकर जितनी रैलियां की और मनमोहन सिंह ने जितनी मिलकर रैलियां की उससे ज्यादा रैली नरेंद्र मोदी ने की, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है।